विचार का एक ही काल। बड़े ही सम्मान पूर्वक आदरणीय केजरीवाल सर। दोस्तों, अभी चार दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करते हुए हमारे देश के 3 आर्मी ऑफिसर्स शहीद हो गए और कल एक चौथे आर्मी ऑफिसर जो कि जख्मी हुए थे उन्होंने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पूरा देश उनकी शहादत को सम्मान करता है, उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 2 मिनट खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग मौन रखेंगे। ओम शांति शांति। बैठ जाइए। दोस्तों, अभी 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए। कर्नल मनप्रीत सिंह पंजाब के रहने वाले थे, मेजर आशीष ढोंचक हरियाणा के रहने वाले थे, हुमायूं भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी थे, 2 महीने की बेटी को पीछे छोड़ के गए हैं, और एक चौथे ऑफिसर जो कल शहीद हो गए। पूरा देश उनको सम्मान करता है, पूरा देश उनकी शहादत के ऊपर बहुत दुखी है, लेकिन दोस्तों ज्यादा बड़ा दुख इस बात का है कि जिस वक्त उनकी शहादत की खबर आ रही थी, जिस वक्त वो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ कर रहे थे, मुठभेड़ करते हुए जिस वक्त वो शहीद हुए और शहादत की खबर पूरे देश में फैली, उस वक्त दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। हम ये मान सकते हैं कि जब बीजेपी वालों ने जश्न मनाना शुरू किया होगा तब तक खबर नहीं मिली होगी, लेकिन जिस वक्त वो जश्न मना रहे थे तब तक पूरे देश में खबर फैल चुकी थी। देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, तीनों वहां पे बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद थे और जश्न मना रहे थे। टीवी पे चल रहा था कि वहां पे हमारे 3 आर्मी ऑफिसर्स शहीद हो गए। क्या जश्न को रोका नहीं जाना चाहिए था? जश्न को बीच में रोकना नहीं चाहिए था? क्या जश्न मनाना सही था? पूरे देश को बड़ा दुख हुआ। मैं देख रहा हूं आज 1 लाख से ज्यादा लोग यहां मौजूद हैं, दूर तक जहां तक नजर जा रही है लोग मौजूद हैं, बारिश बार बार आ रही है लेकिन लोग भी डटे हुए हैं। अभी तक लोगों के सर दिखाई दे रहे थे, अब कुर्सियां दिखाई दे रही है, सबने अपने सर पे कुर्सियां रख ली। आपको मैं नमन करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं दिल से कि आप लोग यहां डटे हुए हैं। और सारा देश इस बात से ज्यादा दुखी है, हमारा पहला दुख है कि हमारे 4 आर्मी ऑफिसर्स शहीद हो गए। हमारा दूसरा बड़ा दुख है कि हमारे देश, जब वो हमारे जवान, हमारे आर्मी ऑफिसर शहीद हो रहे थे और मुठभेड़ में मारे गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर जश्न मना रहे थे। तीसरा बड़ा दुख है
आज 4 दिन हो गए इस बात को। 4 दिन पहले वो मुठभेड़ में शहीद हुए थे, अभी तक प्रधानमंत्री ने उनके दुख में 2 शब्द नहीं बोले हैं, एक ट्वीट नहीं किया। हर चीज पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री, हर चीज पे ट्वीट करने वाले गृह मंत्री, हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए आतंकवादियों से मुठभेड़ करते करते। क्या मजबूरी है, आपके मुंह से जबान क्यों नहीं निकल रही है, आपको क्या दुख नहीं होता? इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले सारी देश की 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, सुना आप लोगों ने, एक गठबंधन बनाया देश की 28 पार्टियों ने मिलकर, उसका नाम रखा इंडिया। 28 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। इन लोगों को इतनी चिढ़ मची, ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, बोले हम भारत का नाम बदलेंगे, अब इंडिया नहीं बोलेंगे। अरे तुम्हारे पिताजी का इंडिया, 140 करोड़ लोगों का इंडिया है, 140 करोड़ लोगों का इंडिया, तुम्हारे पिताजी का इंडिया नहीं है। इंडिया हमारे दिल में बसता है, भारत हमारे दिल में बसता है, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। अरे किस किस के दिल से निकालोगे तुम इंडिया? एक बार जोर से सारे जने बोल दो, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। हम अपने भारत से प्यार करते हैं, भारत माता की, भारत माता की। हम अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, सारे जहां से अच्छा। मैं बीजेपी वालों को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो इंडिया का नाम बदल के दिखाओ तुम। 140 करोड़ लोगों का इंडिया है, 140 करोड़ लोगों के दिल में बसता है इंडिया। थोड़े दिन पहले तक, पिछले साल तक ये लोग प्रोग्राम चलाते थे, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या क्या था, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, हाँ जी, ले देखो इंडिया, ये इतने प्रोग्राम चलाते थे इंडिया इंडिया पे। ऑपोजिशन वालों ने अपना नाम इंडिया रख लिया तो कहते हम इंडिया नाम बदलेंगे, कल हम लोग अपना नाम भारत रख लेंगे तो तुम भारत का भी नाम बदलोगे? हम अगली मीटिंग में ऑपोजिशन वाले सारे मिलके अपने गठबंधन का नाम भारत रख लेंगे तो तुम भारत नाम भी बदलोगे? तुम्हारे पिताजी का है भारत, तुम्हारे पिताजी का इंडिया, खबरदार अगर तुम लोगों ने इंडिया का नाम बदलने की हिम्मत की तो 140 करोड़ लोग उठ के बीजेपी वालों को इस देश से बाहर भगा देंगे। दोस्तों, पहले दिल्ली के लोग बहुत दुखी थे, एक बार ये पार्टी, एक बार वो पार्टी, एक बार ये पार्टी, दोनों ने सेटिंग कर रखी थी, 5 साल तुम, 5 साल हम, 5 साल तुम, 5 साल हम। पंजाब के लोग बहुत दुखी थे, वहां भी एक बार ये पार्टी, एक बार वो पार्टी, एक बार ये पार्टी, एक बार वो पार्टी। दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया, आप दोनों पार्टियों का बेड़ा गर्क करो, दोनों पार्टियों को हटा के दिल्ली के लोगों ने एक नई पार्टी को मौका दिया, आम आदमी पार्टी को। हमने इतना अच्छा काम करा, इतना अच्छा काम करा, लोगों के स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, बच्चों के रोजगार का इंतजाम करा, बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करा, बिजली फ्री कर दी। 3 बार लोगों ने जम के बहुमत दिया हमको, 3 बार, तीसरी बार सरकार बन गई हम लोगों के पंजे। फिर पंजाब में
पंजाब में लोगों ने इतना भारी बहुमत दिया, पंजाब के लोगों को पता चला अरे दिल्ली के लोग तो बड़े खुशहाल हैं, दिल्ली के लोग तो बड़े सुखी हैं, हम भी देंगे इनको मौका। पंजाब के लोगों ने मौका दिया। अभी मैं 3 दिन पंजाब का दौरा करके आ रहा हूं, पंजाब के लोग भी बहुत खुश हैं। वहां भी स्कूल बनने लग गए, अस्पताल बनने लग गए, लोगों का इलाज मुफ्त होने लग गया, पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई। छत्तीसगढ़ वालों आप भी एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे, मैं कह रहा हूं एक मौका दे दो, अगले 50 साल तक आप इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं दोगे, मेरा चैलेंज है। मैं आज आपको 10 गारंटी देके जा रहा हूं। ये बीजेपी वाले आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, कहेंगे शपथ पत्र है हमारा, संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो है। हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, हम गारंटी देते हैं। आजकल इन्होंने हमारी गारंटी शब्द भी ले लिया। कांग्रेस वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे, बीजेपी वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे, उस पे भरोसा मत करना। केवल केजरीवाल की गारंटी असली गारंटी है, बाकी सब फर्जी गारंटी है। मैं आज आपको केजरीवाल की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली गारंटी, आपके यहां बिजली आती है, पावर कट लगता है? बिजली जाती है, खूब जाती है बिजली, लंबा लंबा पावर कट लगता है? आज आपको गारंटी देके जा रहा हूं। पहले दिल्ली में भी 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, पंजाब में 1.5 साल पहले सरकार बनी है उसके पहले 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, पंजाब में 24 घंटे बिजली मिलती है। एक मौका दे दो, 2 साल के अंदर आपकी 24 घंटे बिजली कर दूंगा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते? दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, एक मौका दे दो, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपकी बिजली मुफ्त कर दूंगा। लेकिन एक बात है, बिजली मुफ्त भी कर दी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके फर्जी बिजली के बिल आए हुए हैं पुराने, आ रखे कि नहीं आ रखे? किसी के 10,000 का, किसी का 20,000 का। जब बिजली के बिल ठीक कराने जाते हो तो बाबू कहता है 5,000 रुपए दो, नहीं तो बिजली का बिल ठीक नहीं करूंगा, कहता है कि नहीं कहता? आपके 30 अक्टूबर, अभी जो 30 अक्टूबर आने वाली है, 30 अक्टूबर तक के सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर देंगे और आगे आपके बिजली मुफ्त कर देंगे। दिल्ली में भी किया था, पंजाब में भी किया था। पंजाब में हमारी 16 मार्च को सरकार बनी थी, 31 दिसंबर तक के पहले जितने बिजली के बिल थे सारे माफ कर दिए, सारे जीरो कर दिए। अब पंजाब में भी लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं, दिल्ली में भी लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं, फोन करके पूछ लेना। दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चे, मैं पूछना चाहता हूं यहां पे कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हाथ खड़े करें। सरकारी स्कूल से खुश हो? खराब है सरकारी स्कूल? आपके बच्चे, मेरे बच्चे, आपके बच्चों को मैं अपना बच्चा मान के, जैसी शिक्षा मैंने अपने बच्चों को दी है ऐसे शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा। दिल्ली में सारे सरकारी स्कूल बदल दिए, पंजाब में सिलसिला शुरू हो गया, पहला सरकारी स्कूल अभी शानदार बनाया है। दिल्ली पंजाब के भी सारे स्कूल ठीक कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार बना देंगे, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराएंगे। आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं। कोई पार्टी नहीं कहेगी 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए, मेरे को बता देना किसी पार्टी ने आके आपको कहा हो कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूंगा, कोई पार्टी नहीं कहेगी। कोई पार्टी नहीं चाहती कि लोग पढ़ें, पार्टियां चाहती हैं लोग अनपढ़ रहेंगे तो हमारा वोट बैंक बन के रहेंगे, समझ नहीं रहेगी। मैं चाहता हूं आपके बच्चे तरक्की करें, मैं चाहता हूं आपके बच्चों को इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, वकील बनाऊं, आपके बच्चों को बड़ा आदमी बनाऊं। आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तभी तो गरीबी दूर होगी, होगी कि नहीं होगी?
आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। और जितने कच्चे टीचर हैं, सारे कच्चे टीचरों को पक्का करेंगे। अभी अभी भगवंत मान साहब ने 12,500 कच्चे टीचरों को पक्का किया है पंजाब के अंदर पिछले हफ्ते। आपको स्वास्थ्य की गारंटी देके जा रहा हूं। आज अगर घर में कोई बीमार हो जाए, भाई साहब सब कुछ लूट जाता है। बड़ी बीमारी हो, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ बड़ी बीमारी हो जाए, जमीन बेचनी पड़ जाती है, गहने बेचने पड़ जाते हैं। और बड़ी बीमारी तो छोड़ो, अभी हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बता रहे थे कि कैसे अगर छोटी बीमारी भी हो, प्रसव भी हो, तभी खाट के ऊपर लेके उसको दूर तक अस्पताल लेके जाना पड़ता है। अस्पताल आसपास गांव के अंदर कहीं नहीं है, है कि नहीं है दोस्तों? आपके परिवार के अंदर अगर कोई भी बीमार होगा, चाहे कितनी छोटी बीमारी हो, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, उसकी जिम्मेदारी मेरी। सबका इलाज मुफ्त कराऊंगा, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा ऑपरेशन मुफ्त। और ये कहने से नहीं होगा, ये केवल मैंने कह दिया, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए हमें खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक खोलने पड़ेंगे। दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, पंजाब में 650 मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो गए, छत्तीसगढ़ के गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। आपके अपने बीमार आदमी को आपको खाट पे दूर लेके जाना नहीं पड़ेगा, आपके गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक, गांव क्लिनिक खोलेंगे, गांव क्लिनिक। उसमें आपकी सारी दवाइयां फ्री होगी, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। और अगर बड़ी बीमारी हो जाए, आपके जितने सरकारी अस्पताल हैं, सारे सरकारी अस्पताल शानदार बनाएंगे, प्राइवेट से अच्छे बनाएंगे, उसमें सारा इलाज मुफ्त होगा। चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, 30 लाख 40 लाख रुपए का भी ऑपरेशन है, वो भी आपका फ्री में होएगा, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी। पैसा कहां से आएगा इतना? ये जितनी पार्टियां कहती हैं सरकार तो घाटे में चल रही है, सरकार तो घाटे में चल रही है। जब मैंने दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब भी ये सारी पार्टियां कहती थी सरकार घाटे में चल रही है, सरकार का। अब दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। मैंने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, शानदार स्कूल बना दिए, सबके बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, फिर भी मेरी सरकार फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। 1.5 साल पहले भगवंत मान साहब ने पंजाब का कार्यभार संभाला, उसके पहले सारी सरकार कहती थी 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया पंजाब पे, पंजाब सरकार घाटे में चल रही है, पैसा नहीं है करने के लिए। ये पैसा भी ले आया, पता नहीं कहां से लाया, और सबकी बिजली भी मुफ्त कर दी, 650 मोहल्ला क्लिनिक भी खोल दिए, अभी किसानों की फसल बर्बाद हुई थी उनको खूब मुआवजा भी दिया, सारे काम कर रहा है। इसके पास तो पैसे की कमी नहीं है, क्यों? ईमानदार आदमी है। ईमानदार सरकार चुनो, पैसे की कोई कमी नहीं है। इन लोगों ने जो लूटा इतने साल से, इन्हीं से पैसा निकलवाएंगे। इतनी रेड मारी है भगवंत मान ने पंजाब में पुराने नेताओं पे, पुराने मंत्रियों पे, नोट गिनने की मशीनें निकली हैं उनके घरों से, इतने नोट निकले हैं। उन सारे नोटों से उनसे पैसा ले लेके, पैसा वापस ले लेके जनता का इलाज मुफ्त कर दिया, जनता की शिक्षा मुफ्त कर दी। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक एक पैसा छत्तीसगढ़ का जो ये लूट के ले गए हैं, इनसे सारा पैसा वापस लेंगे, और एक एक पैसा छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास के ऊपर खर्च होगा। दूसरी बात, आप जब पटवारी के पास काम कराने जाते हो, दफ्तर में काम, पैसे मांगते हैं कि नहीं मांगते? ये रिश्वतखोरी बंद करेंगे। दिल्ली में हमने एक फोन नंबर दिया है 1076, दिल्ली से ही लगता है, यहां से नहीं लगेगा। उस नंबर पर फोन करो, आप बोलो मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, वहां से आवाज आएगी, हम आपके घर कितने बजे आए राशन कार्ड बनाने? आपको राशन कार्ड बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर आती है सरकारी अफसर, आपके घर आता है काम करने के लिए। छत्तीसगढ़ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? रिश्वतखोरी बंद करेंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे। रोजगार का इंतजाम करेंगे अपने बच्चों के लिए। आज हमारे इतने सारे युवा यहां पे बेरोजगार घूम रहे हैं,
दिल्ली में हमने लगभग 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख बच्चों के लिए। अभी पंजाब में 1.5 साल हुआ है सरकार बने, इन्होंने 36,000 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, पटवारी की, सब इंस्पेक्टर की, क्लर्क की, इस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट, पुलिस में 36,000 सरकारी नौकरियां बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के, मेरिट के आधार के ऊपर सबको नौकरी मिली। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, गांव गांव के अंदर पंजाब में ढोल बजा रहे हैं, हमारे गांव के लड़के को नौकरी, सरकारी नौकरी मिल गई, हमारे गांव के लड़के को सरकारी नौकरी मिल गई। क्यों ढोल क्यों बजा रहे हैं? पहले सबको पता था रिश्वत देके होती थी, बिना रिश्वत के गरीबों के बच्चों को, आम लोगों के बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी आपके लिए नौकरी का इंतजाम करेंगे। अभी 3 लाख प्राइवेट नौकरियों का इंतजाम किया है भगवंत मान ने, 3 लाख। 36,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, 3 लाख प्राइवेट नौकरियों का इंतजाम किया है। और जब तक आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी नौकरी का इंतजाम करेंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक 3,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा हर बेरोजगार। जितनी हमारी मां बहने हैं, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए महीना उनके खर्चे के लिए दिया जाएगा। हमारी बेटियां हैं, कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के पैसे नहीं है, कई लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है, उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कोई महिला है, गृहिणी है, घर में पैसे की कमी है, बच्चे को, छोटे बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, 1,000 रुपए महीना होगा, दूध पिला लेगी अपने बच्चे को। माँ है कोई, बेटी आती है घर, माँ का मन करता है बेटी के हाथ में पैसे रख दूं, उसके पास पैसे नहीं है, बेटे की तरफ देखती है। अब उसको, माँ को किसी बेटे से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, अब वो अंदर जाएगी अपनी पोटली से आम आदमी पार्टी वाले 1,000 रुपए निकालेगी और उसके हाथ में रख देगी अपनी बेटी के हाथ में। दिल्ली में हम सबको तीर्थ यात्रा कराते हैं, अयोध्या ले जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश ले जाते हैं, द्वारकाधीश ले जाते हैं, रामेश्वरम ले जाते हैं, साई बाबा ले जाते हैं, मथुरा वृंदावन ले जाते हैं, पुरी ले जाते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, आना जाना, खाना पीना रहना सब फ्री, घर से बस लेके जाती है, ट्रेन में बिठाती है, एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, सारा कुछ फ्री। इतना आशीर्वाद देते हैं बुजुर्ग, इतना आशीर्वाद देते हैं। छत्तीसगढ़ के भी सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा मैं, जहां कहोगे वहां ले जाएंगे, जिस तीर्थ यात्रा पे आपका मन करता है वहां लेके जाएंगे। अगर कोई दिल्ली का या पंजाब का रहने वाला कोई पुलिस वाला शहीद हो जाए, दिल्ली में पहले उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देती थी सरकार, ये तो अपमान है। अगर कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद होता है, उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन मिलनी चाहिए। अगर कोई दिल्ली या पंजाब में रहने वाला कोई सैनिक बॉर्डर पे शहीद हो जाए, हमने अब इंतजाम किया है कोई भी ऐसे पुलिस वाला या सैनिक शहीद होता है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मुख्यमंत्री खुद उनके घर देके आते हैं। मैं भी उनके घर देके आता हूं, मान साहब भी उनके घर देके आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसको लागू करेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जितने कच्चे कर्मचारी हैं, मेरे को पता चला खूब हड़ताल पे 24 घंटे बेचारों को हड़ताल पे रहना पड़ता, सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। 28,000 कर्मचारियों को अभी तक मान साहब ने पक्का कर दिया है पंजाब के अंदर, 28,000 सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और ये ठेका प्रथा बंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज ये यहां पे ढेर सारे आदिवासी समाज के लोग आए हुए हैं, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, इन 75 सालों में सबकी तरक्की हो गई, आदिवासी समाज पिछड़ा रह गया, आदिवासी समाज के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। कोई सरकार, आदिवासी समाज जंगलों में रहता है और सारे इन बड़े बड़े नेताओं की, उद्योगपतियों की नजर, गंदी नजर आपके जल, जंगल और जमीन पे रहती है। पेसा कानून कहता है
कि उसका मालिकाना हक आपका है, लेकिन यह मालिकाना हक देना नहीं चाहते आपको। पैसा कानून कहता है कि ग्राम सभा सारे निर्णय लेगी, ग्राम सभा जो निर्णय लेगी वो प्रधानमंत्री भी उस निर्णय को नहीं पलट सकता, पैसा कानून में लिखा है, ग्राम सभा सुप्रीम है। आज तक सारी पार्टियों की सरकार आई, किसी ने लागू नहीं किया, क्यों? उनकी नीयत खराब थी, उनकी नजर आपके जल जंगल जमीन और जितने मिनरल्स हैं उसके ऊपर थी। हमारी नीयत साफ है, सरकार बनने के एक महीने के अंदर पैसा कानून लागू कर देंगे और ग्राम सभा को सारे अधिकार देंगे। जवान फिल्म के बारे में सुना है? किस किस ने देख ली? बाकी जने भी देख लेना, बहुत अच्छी पिक्चर है। शाहरुख खान का उसमें एक डायलॉग है, देखा सोशल मीडिया पे चल रहा है डायलॉग शाहरुख खान का। शाहरुख खान कहते हैं वोट डालने जाओ तो ये लोग वोट मांगने आएंगे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, जाति के नाम पे वोट मांगेंगे। धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना। जब वोट मांगने आए तो उनसे पूछना हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, जब वोट मांगने आए तो उनसे पूछना मेरे घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके इलाज के लिए क्या करोगे। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते शाहरुख खान? सुना है डायलॉग? आज पूरे देश में एक ही पार्टी है जो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए और आपके इलाज के लिए काम करती है, कोई पार्टी काम नहीं करती। 75 साल हो गए, इन 75 सालों में अगर इन पार्टियों ने काम कर लिया होता तो हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम नेता बनने नहीं आए, हमें नेतागिरी करनी नहीं आती, हमें राजनीति करनी नहीं आती। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था, भगवंत मान साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, टीवी पे आया करते थे, हम खुश थे अपनी जिंदगी में। अगर इन पार्टी वालों ने, इन नेताओं ने 75 साल में कुछ कर लिया होता तो शाहरुख खान को जवान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। केवल आम आदमी पार्टी, खुल के मैं बोल रहा हूं और मैं चैलेंज करता हूं कोई और पार्टी का नेता बोल दे कि मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। हमें वोट दो, हम आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, आपके घर के लोगों का अगर बीमार होंगे तो उनके इलाज का इंतजाम करेंगे। कोई पार्टी नहीं बोलती है, केवल आम आदमी पार्टी बोलती बोलती नहीं है, करके दिखाया है हम लोगों ने। अच्छा एक चीज बताओ, नेता किस टाइम काबू में आता है? चुनाव के टाइम में, है ना? केवल चुनाव के टाइम में काबू में आता है नेता, बाकी 5 साल शक्ल नहीं दिखाते। 5 साल चुनाव के टाइम में आते हैं आपके सामने, आपके पैर भी पड़ते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं आपके साथ, आपकी जी हजूरी भी करते हैं, झूठे झूठे वादे करके जाते हैं। अब इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, रोज चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी पंचायत के चुनाव, कभी निगम के चुनाव, कभी काउंसिल के चुनाव, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ये रोज रोज जनता में जाना पड़ता है, इनके ऐशो आराम इन्होंने खूब अय्याशी कर रखी है, इनके ऐशो आराम में फर्क पड़ रहा है। तो अब ये क्यों जुमला लेके आए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, कह रहे 5 साल में एक ही बार करा लेंगे सारे चुनाव, फिर 5 साल ऐश करेंगे, 4.5 साल पूरी दुनिया में घूमेंगे, पेरिस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, खूब घूम घाम के 4.5 साल बाद आएंगे, फिर आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। कह रहे वन नेशन वन इलेक्शन कभी मत होने देना। मैं तो कहता हूं हर महीने चुनाव होने चाहिए ताकि आपके बीच में आते रहे नेता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इनकी नीयत खराब है, इनके दिल में खोट है काला, इनके दिल में जो कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, अरे वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए,
वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। अमीर के बच्चों को जैसी शिक्षा मिलती है, मेरे गरीब के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। एक जैसी शिक्षा चारों होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिस स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, जैसी शिक्षा अमीरों के बच्चों को मिलती है, ऐसे ही सरकारी स्कूल होने चाहिए। ऐसी शानदार शिक्षा मेरे किसानों को और मजदूरों को, आदिवासियों को, दलितों को वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमें वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलो, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। हमें वन नेशन वन स्वास्थ्य चाहिए। जैसा इलाज अमीरों को मिलता है, वैसा इलाज गरीबों को भी मिलना चाहिए। मेरे घर में कोई बीमार हो, मैं दर दर की ठोकरें खाता हूं, पैसे नहीं है मेरे पास, जेवर बेचना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है, क्यों? भारत में पैदा हुआ हूं, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर मेरे घर में कोई बीमार हो तो मेरे को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, इस्तीफा दे दें वो लोग। वन नेशन वन स्वास्थ्य चाहिए, एक जैसा स्वास्थ्य होना चाहिए। जैसी जैसे इनको फोर्टिस में, मैक्स में, अपोलो में, बड़े बड़े अमीरों को जैसा इलाज मिलता है, मेरे सरकारी अस्पतालों में गरीबों को भी वैसा ही इलाज मिलना चाहिए। आज आप इतनी भारी संख्या में आए, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, एक मौका देके देखो आम आदमी पार्टी को, आप सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। भारत माता की।